नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU के जो जनरल सेक्रेटरी हैं SS महादेवैया, इन्होंने आज ही एक लेटर इशू किया है 30/5/2023 को, आप यहां देख सकते हैं। और ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। देखिए, ये विनीत पांडे जी को लेटर लिखा गया है, जो डायरेक्टर जनरल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, और जो सेक्रेटरी है विनीत पांडे जी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उनको ये लेटर लिखा गया है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट लीव अरेंजमेंट इन बेगूसराय डिवीज़न बिहार। सर, बेगूसराय का ये मामला है। बेगूसराय आपको पता है कि बिहार में एक ज़िला है, तो वहाँ का ये मैटर है। और सब्स्टिट्यूट को लेकर वहाँ पर भूख हड़ताल में कुछ GDS अभी भी हैं, लगातार दूसरा दिन है आज, और भूख हड़ताल पे हैं वो लोग, क्योंकि 11 महीने से लगभग उनको पे नहीं दिया गया है। और जो डायरेक्टरेट का ऑर्डर था 14/3/2023 का, इसको इम्प्लीमेंट अब तक वहाँ पर नहीं किया गया है। और लगभग एक महीना पहले मैंने एक GDS के ऑफिशिएटिंग और सब्स्टिट्यूट को लेकर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा बताया था कि डायरेक्टरेट ने क्या क्लैरिफाई किया है इसके रिगार्डिंग, किसको सब्स्टिट्यूट रखना है और किसको ऑफिशिएटिंग देना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और शॉर्ट टर्म वैकेंसीज में कैसे होगा, और लॉन्ग टर्म वैकेंसीज जो होती है अगर GDS लीव पर चला जाता है तो उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट को कैसे रखा जाएगा, और ऑफिशिएटिंग किस सिचुएशन में दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में मैंने वीडियो में समझाया था। तो अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख लेना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम इस लेटर पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। रिस्पेक्टेड सर, वी आर राइटिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दी ऑन गोइंग हंगर फास्ट द GDS इन बेगूसराय बिहार सर्किल एंड टू रिक्वेस्ट योर अर्जेंट इंटरवेंशन इन सेटिंग द इशू। जैसा कि बताया हमने, मैंने अभी ऊपर आपको बेगूसराय का ये मामला है, और एज़ पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड दिस सब्स्टिट्यूट लीव अरेंजमेंट वॉज सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार सर्किल लॉन्ग बैक। 14/3/2023 को ये क्लैरिफिकेशन आया था एक सब्स्टिट्यूट पर, हालांकि इससे भी एक डेढ़ साल पहले सब्स्टिट्यूट का जो अरेंजमेंट है उसको लेकर कुछ रूलिंग्स बताए गए थे, और उसका क्लैरिफिकेशन 14/3/2023 को आया था। तो ये बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन बेगूसराय में अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इसके चलते देखिए, दिस डिले इन इम्प्लीमेंटेशन इज़ कॉजिंग ग्रेट ट्रबल टू द GDS एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग हार्ड डे इन एंड आउट विदाउट पे फ्रॉम लास्ट 11 मंथ्स। लगभग एक साल से जो ऑफिशिएटिंग का पे है, सब्स्टिट्यूट का पे है, GDS को मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिला है, और वो बिना पैसे के, बिना सैलरी के 11 महीने से लगातार डिपार्टमेंट के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर जो SS महादेवैया हैं इन्होंने लिखा है। और ये सही भी है, सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, बहुत बिहार के बहुत सारे ज़िलों में अभी तक GDS का जो सब्स्टिट्यूट का पे है वो अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है। और ये रिलीज़ नहीं करने का वही कारण है, जो 14/3/2023 को जो क्लैरिफिकेशन सब्स्टिट्यूट के रिगार्डिंग इशू हुआ था, वो अब तक बिहार सर्किल में कहीं कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और वो क्या है, तो अभी मैंने बताया आपको कि एक महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप देख लेना, ताकि सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। उसके आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द GDS इन बेगूसराय बिहार सर्किल ऑन हंगर फास्ट हैज़ एंटर्ड इन टू इट्स सेकेंड डे। आज दूसरा दिन है भूख हड़ताल का। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट लीव अरेंजमेंट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड इट इज़ हाई टाइम दैट द इशू इज रिजॉल्व टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल कंसर्न। लास्ट में इन्होंने लिखा है, देयरफॉर वी रिक्वेस्ट योर काइंड सेल्फ टू लुक इनटू दिस मैटर एंड अपील टू योर गुड ऑफिस टू इंटरवीन इन दिस मैटर। तो दोस्तों, वो जो सब्स्टिट्यूट का अरेंजमेंट है, लीव अरेंजमेंट, अगर आपको समझना है तो वो पुराना वीडियो मेरा देख लेना, इसमें मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 15-16 मिनट का वो वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल समझ पाएंगे उस वीडियो को आप देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक गिवन है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो वीडियो देख लेना। और ये जो है बिहार सर्किल बेगूसराय डिवीज़न का, इस मैटर को उठाया गया है सेक्रेटरी जो है SS महादेवैया इनके द्वारा, और ऐसे उम्मीद है कि जल्दी ये 11 महीने का जो पेमेंट है इसको रिलीज़ किया जाएगा ऑफिशिएटिंग का या फिर सब्स्टिट्यूट का, और GDS को इससे राहत मिलेगी, ताकि जो भी काम उन्होंने किया है 11 महीने से जो कर रहे हैं बिना सैलरी के, उनको काफ़ी राहत मिलेगी।